अगर आपके पास LIC के शेयर हैं तो ये खबर आपके लिए। दरअसल 5 जुलाई को अखबारों में दिए एक विज्ञापन के मुताबिक LIC ने अपने शेयर होल्डर्स को पैन अपडेट करने के लिए कहा है। एडवर्टाइज में कहा गया है कि 27 मई को हुई बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में 10 रुपये फेस वैल्यू के एक शेयर के लिए शेयर होल्डर्स को 6 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है, जिसकी घोषणा 24 अगस्त को होने वाली AGM में की जा सकती है। सवाल उठता है कि किन निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड। तो अगर आपके पास डिविडेंड ऐलान के दिन यानी 19 जुलाई 2024 की तारीख को LIC के रियल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हैं तो महीने भर के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। अब अगर आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं तो आपकी ये इनकम टैक्सेबल होगी। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कॉरपोरेशन द्वारा डिविडेंड पर TDS काट कर दिया जाएगा, और इसीलिए LIC ने अपने शेयर होल्डर से बैंक अकाउंट के साथ साथ पैन अपडेट करने की अपील की है। यही कारण है कि LIC ने शेयर होल्डर्स जिनकी बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड नहीं है उनसे बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि शेयर होल्डर्स जिनका डिविडेंड 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं पे करना होगा। लेकिन अगर पैन अपडेट नहीं होगा या इनवैलिड होगा तो ऐसे शेयर होल्डर्स को 20% की दर से TDS देना होगा। जो भी TDS काटा जाएगा वो शेयर होल्डर्स को इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर अपलोडेड उनके फॉर्म 26AS में दिखा जाएगा। ऐसे शेयर होल्डर्स जिनका पैन वैलिड होगा उन पर सेक्शन 194 के तहत 10% की दर से TDS काटा जाएगा, और जिन निवेशकों के पास पैन नहीं है या जिनका पैन कार्ड इनवैलिड है उन्हें IT एक्ट के 206A के तहत 20% की दर से TDS देना होगा। इसके साथ ही वो निवेशक जिनके पास पैन है लेकिन उनका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो उनके पैन को भी इनवैलिड माना जाएगा और उन्हें भी IT एक्ट के हिसाब से ज़्यादा TDS पे करना पड़ेगा। आपको बता दें कि LIC के शेयर 17 मई 2022 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए थे। देश का सबसे बड़ा IPO पेश करने वाली बीमा कंपनी के शेयरों का इशू प्राइस 949 रुपये था, लेकिन इसकी लिस्टिंग 9% गिरावट के साथ 867.20 रुपये पर हुई थी। शेयर की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रहा। 29 मार्च 2023 को कंपनी ने 530 रुपये के लो लेवल को भी टच किया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के शेयर्स में दमदार रैली देखने को मिली और इस साल जनवरी में पहली बार शेयर्स ने 1000 के लेवल को पार किया था। आपको ये खबर कैसी लगी और किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सब से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम के इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ Money9 पर।